उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर 16B SKS वर्ल्ड स्कूल के पास उत्तर प्रदेश T10 एसोसिएशन के ग्राउंड शुरू हो गया। नेशनल T10 टूर्नामेंट क्रिकेट मैच टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों ने देश ओलंपिक पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। अब उन्हीं को उन खिलाड़ियों को देखकर क्रिकेट में भी नए खिलाड़ी अपनी किस्मत आजमाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। T10 क्रिकेट एसोसिएशन इंडिया की तरफ से किया जा रहा है। मैच 6 टीम्स के बीच में रहेगा और जैसे कि नाम से पता लगता है T10 मतलब कि 10 ओवर के मैचेस होने और 7 तारीख तक ये चलेंगे। 6 टीमें आई हैं यहाँ पे और ये 3 तारीख से शुरू होकर 7 तारीख तक चलेगा। और पर जो एक असली चीज़ है वो ये है कि उन्हें एक अच्छा फॉर्मेट मिलेगा, अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जिससे वो आगे खेल सके। बहुत सारी ऐसी एसोसिएशन भी हैं जो इनाम के लालच में बच्चों को खिलवा तो देते हैं लेकिन उसके आगे कुछ होता नहीं। फिर तो यही है कि इनाम के तौर पर इनके लिए यही एक चीज़ है। बाकी प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए उनके ड्रेसेस हैं, किट्स हैं, बॉल्स हैं, बैट्स, ये सब चीज़ें हैं। आपको बता दें उत्तर प्रदेश T10 एसोसिएशन के ग्राउंड पहले पूल ए का मैच मार्च अप्रैल मई में शुरू हो चुका है। वहीं अब पूल बी में भी विभिन्न राज्य उत्तराखंड, बिहार, मुंबई, हरियाणा, राजस्थान, बुंदेलखंड नेशनल T10 टूर्नामेंट क्रिकेट मैच में भाग ले रही है और जोरदार प्रदर्शन कर रही है। ये टूर्नामेंट 3 अगस्त से 7 अगस्त तक होगा जिसमें भारत की 6 राज्य की टीमें भाग ले रही हैं। दिल्ली NCR में हो रहे नेशनल T10 टूर्नामेंट क्रिकेट मैच में सभी खिलाड़ी अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं, किस्मत आजमा रहे हैं। हमने कई जगह से बुलाए हैं, स्टेट लेवल के अंपायर भी हमारे पास आए हैं जो मतलब जो है इसमें मतलब जो अंपायरिंग करेंगे, और स्कोरर भी हैं बाहर से, हमने स्कोरर भी मंगाए हैं। इस तरह से हम बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा कर भी रहे हैं। पहले भी हमारे पूल ए के जो मैचेज हुए हैं उनमें अपना बहुत अच्छा किया है और पूल बी के मैच हैं, 6 टीमें इसमें भाग ले रही हैं। उसमें उत्तराखंड है, हरियाणा है, बुंदेलखंड है, बिहार है, मुंबई है, इस तरह से 6 टीमें हैं। T10 क्रिकेट एसोसिएशन इंडिया के जनरल सेक्रेटरी राजीव यादव का कहना है जो भी टीम नेशनल T10 टूर्नामेंट क्रिकेट मैच जीतती है तो यहां परफॉर्मेंस दिखाने वाले सभी खिलाड़ियों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, इंडिया T10 क्रिकेट टीम में खेलने का मौका मिलेगा। यहां इस नेशनल T10 टूर्नामेंट क्रिकेट मैच में आए तमाम खिलाड़ी भले ही अलग अलग राज्यों से आकर अपनी किस्मत नेशनल T10 टूर्नामेंट में आजमा रहे हो, लेकिन लक्ष्य सभी का देश का नाम रोशन करना है। अच्छे से की थी यहाँ पे और पिछली बार भी जो टूर्नामेंट हुआ था बहुत अच्छा हुआ था चैंपियनशिप, लेकिन मौसम ने थोड़ी सी गड़बड़ कर रखी है। फिर भी बहुत अच्छी तैयारियां हैं हमारी और अलग अलग प्रदेशों से बहुत सारी टीमें आई हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और एक नए लड़कों के लिए, नए प्लेयर्स के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म है T10 इंडिया, और हमारा प्रयास है कि आगे चल के इसको बहुत अच्छे से हम मेंटेन करेंगे, बहुत अच्छे से हम ले जाएंगे इसको और खिलाड़ियों को बहुत अच्छा मौके मिलेंगे इसमें। पिछली बार की तरह जो अप्रैल में हुआ था इस बार भी अच्छी कामयाबी मिलेगी, अच्छे तरीके से जाएगा और अच्छा सपोर्ट मिलेगा पब्लिक का भी और व्यूअर्स का भी सबका। फनी गेम है, आप परफॉर्मेंस की उम्मीद करें नहीं करें इसका कोई मापदंड नहीं है, बट देखते हैं जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। सो हम लोग तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि हम अच्छा खेलेंगे और अच्छा खेलेंगे तो ज़रूर जीतेंगे। अरे T10 क्रिकेट एसोसिएशन के माध्यम से जो हमको आज एक मौका मिला है मुंबई टीम को खेलने के लिए, एक बहुत अच्छा फॉर्मेट लेके आए हैं जो T10 है, 10 ओवर्स का फॉर्मेट है जो कि आज की तारीख में जल्द गति से जो फास्ट ट्रैक में हम लोग चल रहे हैं, दुनिया चल रही है, तो उसमें 50 ओवर्स के बाद 20 ओवर्स आई, 20 ओवर्स के बाद 10 ओवर्स आई, तो ये बहुत अच्छा फॉर्मेट है और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अपने एशियन गेम्स में जैसे अभी चल रहे हैं तो उसमें T10 फॉर्मेट में आ जाए, तो उसमें बहुत सारे जो इंडिया के कोने कोने से जो बच्चे लोग के पास टैलेंट छुपा हुआ है जो T10 के क्रिकेट एसोसिएशन दिल्ली के माध्यम से हमको एक मौका मिला, हर एक बच्चों को मौका मिलेगा। इस हिसाब से फैसिलिटीज़ दिख रही हैं, ग्राउंड दिख रहा है, ग्राउंड देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है, लग रहा है हमारे जो मैचेज़ हैं भी काफ़ी बढ़िया हम परफॉर्म करेंगे। हम यहाँ पे देख रहे हैं जिस हिसाब से बाकी टीम्स भी आ रखी हैं तो टीम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही हैं और जिस हिसाब से हमें प्लेटफॉर्म मिला है हमें ये देख के अच्छा लग रहा है कि हम अभी अच्छे प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हैं। तो थैंक्स करना चाहूँगा जो उन्होंने हम सभी प्लेयर्स को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए,
और बाकी हम लोग काफ़ी एक्साइटेड है इस टूर्नामेंट को लेके, और हमें बहुत अच्छा भी लग रहा है, सभी प्लेयर पूरी तैयारी के साथ आए हैं और टूर्नामेंट को जीतने के लिए। रुड़की में भी टिटन क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से जो हमारी हरियाणा की टीम आई है, तो ये सारे बच्चे हमारे यंग हैं, बहुत एक्साइटेड हैं इस टूर्नामेंट के अकॉर्डिंग, और बहुत ही ज़बरदस्त प्रिपरेशन के साथ आए हैं, अपने ग्रुप को मतलब टॉप करना चाहते हैं, जीत कर जाएंगे। टी टेन कितने दिन चलेगा यहाँ? टी टेन यहाँ तो लगभग 1 वीक का है टूर्नामेंट, 8 तारीख को फाइनल होना है, तो अभी तो यही शेड्यूल है, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो अच्छा लग रहा है, और जिस तरीके से इनका अरेंजमेंट है उस लग रहा है कि एक अच्छा टूर्नामेंट होने वाला, और एक टीमों को देख के लग रहा है एक अच्छा हेल्दी कॉम्पिटिशन हमें मिलेगा, नेशनल गेम होगा यहाँ। बिल्कुल परफॉर्मेंस पर डिपेंड रहेगा, और हमें उम्मीद है कि हमारी टीम से बहुत सारा, अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे लोग आगे खेलेंगे। तो यहाँ जो है आप लोग आए हो, तो और जो टीम खेल रही है उनको देख के क्या लग रहा है, कैसा परफॉर्मेंस रहेगा उनके सामने? आपने पहले भी प्रैक्टिस की है? अच्छा और टफ कंपटीशन होने वाला है मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। और हमारी एक बहुत अच्छी है तैयारी है। हाँ। एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन देखने को।